गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम मिनरल न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ रहे थे। मिनरल न्यूट्रिशन में हम माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने मैक्रो मिनरल न्यूट्रिशन जो एलिमेंट्स थे उनके बारे में स्टडी कर चुके थे। अब हम माइक्रो मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम एफई के बारे में कर चुके हैं स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है पहला, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें वो है मैंगनीज। Mn, देखिए मैंगनीज जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये सॉइल से Mn+2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। प्लांट्स मैंगनीज को Mn+2 यानी कि मैंगनीज आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। और सॉइल में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सॉइल में प्रेजेंट MnO2 को प्लांट Mn+2 की फॉर्म में से हम क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट मैंगनीज आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये जो मैंगनीज आयन है ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है। कैसे काम करेगा, ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है। किसमें करेगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में। इसी के साथ साथ बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, एज ए एंजाइम एक्टिवेटर भी ये काम करता है। क्लियर है। अब देखिए जिसका मेन रोल है वो किसमें है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस देखते हैं तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये दो पार्ट में क्लियर होती है, या दो पार्ट में कंप्लीट होती है। एक तो होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है ये लाइट की प्रेजेंस में होती है, और लाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट में वाटर हाइड्रोलिसिस होता है। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन होता है। वाटर मॉलिक्यूल अपने आयन्स में क्या होता है, ये टूट जाता है। तो यहाँ पे ये फोटो के प्रेजेंस में होगा, फोटो यानी कि लाइट के प्रेजेंस में होगा। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है ये है वाटर मॉलिक्यूल अपने आयन्स में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस करेंगे तो 2H2O लेंगे, तो यहाँ पे 4H+ आयन बनेगा। साथ ही साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलेगा और साथ में क्या निकल जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। यह जो प्रोसेस है ये मैग्नीज और क्लोरीन की प्रेजेंस में होती है। तो मैग्नीज क्या करेगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी कि वाटर को लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अब देखिए अगर इस जो मैग्नीज आयन है इसकी डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट में, मैग्नीज आयन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, देखिए मैग्नीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसके सिम्टम्स शो होंगे। तो इसके सिम्टम्स में क्या हो जाएगा, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। जब प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, प्लांट इसकी हाइट कम रह जाएगी, स्टंट हो जाएगा प्लांट। इसी के साथ साथ जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स शो होगा यहाँ पे, जो मेन डिजीज है, इसमें दो मेन डिजीज आती है, कौन कौन सी है देखते हैं। ग्रे स्पाइक्स ऑफ ओट्स, साथ ही साथ मार्च स्पोर्ट डिजीज ऑफ पी। ये टू मेन डिजीज है जो कि मैग्नीज आयन की कंसंट्रेशन की कमी के लेस होने से होती है। तो ये जो दो डिजीज है इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि बाय नेम कई बार पूछ लिया जाता है कि मैग्नीज की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है, या ग्रे स्पाइक ऑफ ओट्स जो डिजीज है ये किस मिनरल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होती है। तो इसको हमें ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए क्या देखा हमने, मैग्नीज आयन की फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है, एज ए कैटलिस्ट काम करता है,
रेस्पिरेशन के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए, और साथ साथ बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। जो फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है, इस लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन क्या है, 2H2O, ये आपके 4H+ प्लस ऑक्सीजन आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक डाउन हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, मैग्नीज आयन की प्रेजेंस में और क्लोरीन आयन की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। जैसे कि मैग्नीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी प्लांट में, तो ग्रे स्पाइक्स डिजीज ऑफ ओर्स और मार्स स्पोर डिजीज ऑफ पी डिजीज आपकी प्लांट में आपको दिखाई देती है। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट लेके चलेंगे, वो जो कि है बोरोन। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम एफई और सीयू के बारे में स्टडी कर चुके थे, एफई और एमएन के बारे में स्टडी कर चुके थे। अब हम स्टडी करेंगे बोरोन के बारे में। देखिए जो बोरोन है इसे रूट्स एब्जॉर्ब करती है बोरेट आयन की फॉर्म में। बोरेट को कैसे एब्जॉर्ब करेगी, बोरेट आयन की फॉर्म में। बोरेट आयन क्या होता है, देखिए BO3-3 और B4O4-2। BO3-3 और B4O4-2 के फॉर्म में प्लांट क्या करते हैं, बोरोन को एब्जॉर्ब करते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, बोरेट आयन। ये जो बोरेट आयन है अगर ये कैल्शियम के साथ कैल्शियम बोरेट बनाता है, कैल्शियम के प्रेजेंस में ये कैल्शियम बोरेट बनाता है तो इसे प्लांट की रूट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो देखिए क्या होता है, अगर सॉइल में कैल्शियम अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तो उस सॉइल में बोरेट की क्या हो जाएगी, उस प्लांट के लिए क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। बोरेट प्रेजेंट तो है सॉइल में लेकिन किस फॉर्म में, कैल्शियम बोरेट में, और इस कैल्शियम बोरेट से प्लांट इस बोरेट आयन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ये जो बोरेट आयन है, इस बोरेट आयन की कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है प्लांट के लिए, जो किस चीज में है, ट्रांसपोर्टेशन में। यह बोरेट आयन प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इसके साथ साथ वो एक्टिविटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए भी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। जैसे ही बोरोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा प्लांट पे, जैसे ही बोरोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी प्लांट में तो जो प्लांट है, जो फ्लावर है, वो क्या हो जाएगा, स्टराइल। प्लांट कैसे हो जाता है, स्टराइल। ये इसका मेन इंपॉर्टेंस है बोरोन आयन का, कि जैसे ही ये बोरेट है इसकी डेफिशिएंसी प्लांट में हो जाएगी तो प्लांट कैसे हो जाएगा, स्टराइल। देखिए हम पुराना रिकॉल करते हैं, हमने बात की थी पॉलिनेशन की, तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में हमने देखा था। जैसे ही पॉलिनेशन होता है तो जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आ जाएंगे। अब स्टिग्मा पे आने के बाद जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब होता है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, और जैसे ही पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा था स्पेसिफिक लिपिड रेजिन बोरोन प्रेजेंट होता है, क्लियर है। ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे आपके पास स्टिग्मा पे क्या प्रेजेंट होता है, बोरोन। अगर बोरोन की डेफिशिएंसी हो गई तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन होगा, नहीं होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब होगा, नहीं होगा। जब फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब ही नहीं होगा तो मेल गैमेट क्या एग सेल तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि आपका जो फ्लावर है वो कैसा हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। इसी के साथ साथ नंबर ऑफ फ्लावर के हो जाते हैं आपके, डिटेक्ट हो जाते हैं, कम हो जाता है नंबर ऑफ फ्लावर भी, क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कम हो जाएंगे। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, इससे आपके फ्लावर स्टेराइल हो जाएंगे, इनका नंबर कम हो जाएगा, साथ ही साथ टिश्यू डिजनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए बोरोन में हमने देखा कि बोरेट आयन की फॉर्म में क्या होता है, ये एब्जॉर्ब होते हैं, कैल्शियम बोरेट होगा, यानी कैल्शियम की कंसंट्रेशन अच्छी होगी सॉइल में, तो बोरोन आयन प्लांट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे।
इस बोरेट का इंपॉर्टेंस किस चीज में होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में होगा, साथ ही साथ सेल की एक्टिविटी के लिए क्या होता है ये रेस्पॉन्सिबल। जैसे इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो फ्लावर कैसे हो जाएंगे, स्टेराइल। मैं आपको प्रोसेस बता चली हूँ कि किस तरीके से प्लांट जो फ्लावर है वो स्टेराइल होंगे। क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं यहाँ पे अपने पास फोर्थ जो मिनरल है माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो कौन सा है, जिंक, जिसे हम शो करते हैं जेरन के फॉर्म में। ये जो जिंक है ये भी कैसे होगा आपके एब्जॉर्ब, जिंक आयन की फॉर्म में। जिंक किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है, जिंक आयन के फॉर्म में। जिंक आयन एक बाइवेलेंट आयन है, कैसा आयन है, बाइवेलेंट है। क्लियर हुआ? ये जिंक आयन क्या करते हैं, देखिए प्लांट के पास कुछ ग्रोथ हार्मोन होते हैं, इस ग्रोथ हार्मोन में एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, इसी ऑक्सिन का एक टाइप है IAA। तो IAA का मेन कंपोनेंट है जिंक, तो जिंक जो न्यूट्रिएंट है वो IAA के सिंथेसिस में हेल्प करता है। अभी IAA क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। तो इंडोल एसिटिक एसिड क्या है, एक टाइप का ऑक्सिन हार्मोन है, जो कि ऑक्सिन हार्मोन क्या है, ग्रोथ हार्मोन, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने में ये हेल्प करता है। अब देखिए जैसे ही इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी प्लांट में, जैसे ही इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इस हार्मोन की डेफिशिएंसी के जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो सिम्टम्स है, प्लांट में शो होने लगेंगे। उससे क्या हो जाएगा, प्लांट में नेक्रोसिस होने लगेगी। नेक्रोसिस का मतलब है जो टिश्यू है वो एक ग्रुप में डीजनरेट होने लग जाएंगे, टिश्यू डीजनरेट, इसे हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। तो प्लांट में नेक्रोसिस शो होगी, साथ ही साथ प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। जब ग्रोथ नहीं होगी प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी तो प्लांट कैसे हो जाएंगे आपके, डार्क रह जाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टंट ग्रोथ। तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ इसी से एक स्पेशल डिजीज होती है जिसे बोलते हैं लिटिल लीफ डिजीज। क्या बोलेंगे, प्लांट की जो लीव्स है वो क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, लीफ प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाएगी। तो लिटिल लीफ डिजीज किससे होगी, जिंक की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है। तो यहाँ पे हमने जिंक के बारे में स्टडी कर लिया, अब हम नेक्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि है कॉपर। अब हम बात करते हैं कॉपर के बारे में, जो कि होता है CU। तो हमारे पास नेक्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट है कॉपर, जिसे हम किससे शो करते हैं, CU। इस कॉपर को प्लांट कॉपर आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। कॉपर आयन कौन कौन से हो जाएंगे, ये Cu+2 और Cu+ आयन। तो यहाँ पे जो Cu+2 आयन है उसे हम बोलते हैं क्यूप्रिक आयन, और Cu+ आयन को क्या बोलेंगे हम, Q+ आयन। तो प्लांट कॉपर को क्यूप्रिक आयन और Q+ आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। यह जो कॉपर आयन है इसकी इंपॉर्टेंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में है। यहाँ पे यह एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर काम करता है, कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कराने में, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। क्लियर हुआ? ये जो मेन इसका इंपॉर्टेंस है ये कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। जब हम फोटोसिंथेसिस देखेंगे तब हम देखेंगे वहाँ पे कि कॉपर आयन का क्या यहाँ पे रोल है। तो फोटोसिंथेसिस आगे हम जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे प्लांट में, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही प्रोसेस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे ही कॉपर की डेफिशिएंसी प्लांट में हो जाती है तो क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन इसका जो मेन इफेक्ट है वो कहाँ पड़ेगा आपकी, लीव्स पे। जो मेन इफेक्ट है प्लांट पे कॉपर का वो लीफ पे होता है, और जो लीफ के जो टिप पोर्शन है वो क्या हो जाएंगे आपके, वाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वाइटनिंग ऑफ लीफ टिप। तो लीफ की जो टिप है वो वाइट हो जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे सिट्रस प्लांट में एक स्पेसिफिक डिसीज होती है। सिट्रस फैमिली के प्लांट कौन कौन से हैं, जो आपके जितने भी खट्टे फ्रूट है, जैसे कि हम बात करते हैं लेमन, ऑरेंज, ये किसमें आपके, सिट्रस फैमिली के प्लांट है। इनमें एक डिजीज होती है डाईबैक डिजीज। किसके कारण होगी ये, कॉपर की डेफिशिएंसी के कारण होती है। तो देखिए हमने देखा सिट्रस फैमिली,
सिट्रस फैमिली में डाईबैक डिजीज किस माइक्रोन्यूट्रिएंट, किस मिनरल न्यूट्रिएंट की कमी से होगी, किससे होती है, वो कॉपर से। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने देखा कॉपर के बारे में। अब जो हमारे पास नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जिसे हम MO से शो करते हैं, ये जो मॉलिब्डेनम है कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट के सॉइल में। कहाँ प्रेजेंट होगा? सॉइल में। और सॉइल से प्लांट इसे किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा? मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के फॉर्म में प्लांट इसे क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। मॉलिब्डेनम ऑक्साइड को हम कैसे शो करेंगे? MnO2 के फॉर्म में। क्लियर हुआ? अब देखिए ये जो मॉलिब्डेनम है, ये मॉलिब्डेनम मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। कहाँ काम आएगा ये? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ होता है? लेग्यूमिनेसी फैमिली में होता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली में एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जिसे हम बोलते हैं राइजोबियम। राइजोबियम में एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट कौन करेगा? मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम के प्रेजेंस में ही नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या होगा? एक्टिवेट होगा। तो इस तरीके से जो मॉलिब्डेनम आयन है, यह मॉलिब्डेनम आयन नाइट्रोजन को फिक्स करने में या नाइट्रोजन के साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे। अब देखिए अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा? एक तो इसका इफेक्ट लीफ पे दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा इसका इफेक्ट? लीफ पे। प्लांट की जो लीफ है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रिड्यूस फ्लावर होने लग जाएंगे यहाँ पे, और साथ साथ प्लांट में लीफ में पोरोसिस की कंडीशन भी दिखाई देने लग जाएगी। लेकिन एक मेन डिजीज है जो कॉलीफ्लावर में होती है, वो कौन सी होती है? देखिए यहाँ पे मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से विपटेल डिजीज। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि कॉलीफ्लावर में जो विपटेल डिजीज है ये कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगी आपके कॉलीफ्लावर में? विपटेल डिजीज। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने मॉलिब्डेनम के बारे में स्टडी किया। तो देखिए आज मैक्रोन्यूट्रिएंट में हमने मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर और मॉलिब्डेनम के बारे में स्टडी किया है। बाकी जो हमारे रेस्ट बच गए, रेस्ट कौन कौन से रह गए? क्लोरीन और निकल। तो क्लोरीन और निकल के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।